बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं रुबीना आसिफ है आज एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको चपाती का डो बनाना बताऊंगी। इस डो से हम मुख्तलिफ तरह की चपातियां बना सकते हैं। इससे आम चपाती बना सकते हैं, इससे हम फ्रोज़न रोटी की रोटी बना सकते हैं, इससे हम पंजाबी फुलका बना सकते हैं, इससे हम रुमाली रोटी बना सकते हैं। बल्कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको ये तरह तरह की चपातियाँ बना के भी दिखाऊंगी। आज मैं बेसिक चपाती आपको बनाना सिखाऊंगी, और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। तकरीबन हमने 1 किलो आटा लिया है, आम घर का में जो इस्तेमाल होता है 1 किलो आटा। इसमें तकरीबन आधे आधे से पौन चम्मच नमक ले लें इसमें। अगर नमक ऑप्शनल में है, अगर आप नमक डालते हैं तो डालें, वरना नहीं डालते तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं। मगर इसमें 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालें भर के, और आम पानी गूंदने के लिए पहले हम ये तकरीबन 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें। नमक की मर्जी है, डालें तो डाल लें वरना ना डालें। और तकरीबन 1 चम्मच हमने भर के इसमें ऑयल का डाला है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। और जब ये ऐसे इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें, 2-3 मिनट छोड़ दें इसे, ताकि इसकी कनी फूल जाए। उससे हमारे डो का रिजल्ट फिर बहुत अच्छा आता है। कुछ देर को छोड़ दें, तकरीबन 2-3 मिनट छोड़ दें बस इसे, फिर उसके बाद हम इसे वापस करेंगे। अब इसे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे पूरे आटे को। और इसे पंच डाउन करेंगे या हम इसमें मुक्की मारेंगे। और इस तरीके से हमें तकरीबन 7 मिनट जो है इस तरीके से गूंदना है इसे। इसमें हल्का हल्का पानी लगाते जाए और इसे पंच डाउन करते रहे। अब हमारा डो गुन चुका है, देखिए इसमें कितनी चिकनाहट आ गई है। अच्छी रोटी के रिजल्ट के लिए हमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी डो पे। तकरीबन 5 से 7 मिनट अपने डो पे मेहनत करें, ताकि रोटी अच्छी सॉफ्ट आए पक के। ये हमारा डो मुकम्मल तैयार है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे चिकना कर लेंगे। इससे जो है हमारा आटा देर तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता। आटे पे जो एक फंकस आने लगता है ब्लैक ब्लैक सा, वो नहीं आता। थोड़ा सा ऑयल आप इसके ऊपर भी लगा दें, और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद फिर हम इसके पेड़े बना के रोटी बनाएंगे। इस डो को गूंदने के लिए जो हमने पानी इस्तेमाल करा है वो तकरीबन 1 लीटर लिया था, मगर ये बच गया। तकरीबन इसमें 1.25 लीटर पानी गया है, मगर हमने 1 किलो आटा गूंदा है। ये देखें हमारा ये जो हमने डो गूंदा है, ये हमारा कितना सॉफ्ट है, ये मीडियम सॉफ्ट है।
रोटी अगर हमें सॉफ्ट चाहिए तो हमें डो भी तकरीबन सॉफ्ट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा डो बहुत अहम होता है कि अगर हमारा डो सख्त है तो हमारी रोटी भी सख्त हो जाती है। यही एक वजह होती है कि जो अक्सर लोगों से रोटी सख्त हो जाती है, उसकी मेन वजह ये होती है कि वो डो पे जो है तवज्जो नहीं देते। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम चपाती बनाएंगे इसकी। तकरीबन 15 मिनट हमने अपने आटे को रेस्ट दे लिया है, अब हम इसके पेड़े काटेंगे। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, और पेड़े देखें किस तरह बनाएंगे कि इसको लेकर हमने यूँ फोल्ड करके अंदर लाना है, हर तरफ से हमने इसे सेंटर में लाना है, अपना पेड़ा इस तरह बनाना है, और हर पेड़ा एक जैसा बनाना है। ये देखिए, इसको भी हमें ऐसे करेंगे कि हर पेड़ा हमें एक जैसा ही बनाना है, अगर बढ़ती है उसे हटा दें आप। ये देखिए, ये देखिए, और फिर आप, मैं एक दफा और बता देती हूँ। ये देखिए, हर तरफ से हम सेंटर में लेकर आएंगे, ये ऐसे 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 ऐसे, और फिर इसको, ये देखिए हमारे पेड़े एक जैसे होने चाहिए, तीनों हमारे पेड़े एक जैसे हैं। एक जैसा पेड़ा होगा तो एक जैसी रोटी होगी। अब हमने चूल्हा जला के अपना तवा रख दिया है, चूल्हे की आंच तेज रखनी है ताकि तवा हमारा तेज हो, तवे का तेज़ होना ज़रूरी है, तवा हल्का नहीं हो, तवा जो है तेज़ हो तो रोटी हमारी। अभी आप देखिएगा, मैं रोटी को बना के दिखाती हूँ। पहले हम चंगेर बना लेंगे पेड़े की, ये देखिए, फिर हम इसे बेलेंगे। हमने सब तरफ से हल्के हाथ से बेलना है, रोटी पे जमा के नहीं बेलना रोटी को, हर तरफ से बेलना है कि रोटी घूमती रहे और रोटी बिलती रहे और इक्वल बिले। कहीं से मोटी ना हो, कहीं से पतली ना हो, रोटी का इक्वल बिलना ज़रूरी है। अभी हमारी रोटी है, अभी इसे तब अभी हमारा तेज़ हो चुका है। अब इसको देखें, हमने रोटी डाली और जैसे ही हल्की हल्की चित्ती नमूदार होगी, रोटी बनना शुरू होगी, हम इसे फ़ौरन पलट देंगे, रोटी से काफ़ी नहीं होना। ये देखें, फ़ौरन हमने इसे पलट दिया, और अब हम देखेंगे कि पीछे से भी हमारी रोटी होना शुरू हो गई। अब चाहे तो ऐसे कपड़े से भी दबा के कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसे आंच पे भी सेक सकते हैं। ये देखें, रोटी हर तरफ से सिक गई। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हल्के हल्के घुमाते हैं रोटी को पास। ये देखिए, इधर से भी सिक गई रोटी हमारी, इधर से भी सिक गई। ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। एक रोटी और देखिए आप किस तरह करना है, वही हमने खुश्का लगाना है पेड़े पे, चंगेर बनानी है उसकी। चंगेर भी ये कि ये चीज़ जो है ना, हमने पतली करनी है और सेंटर पे खाली हमने अंगूठे से चंगेर को घुमाना है, सेंटर से हमने पतला नहीं करना, पतला सिर्फ हमने ये करने किनारे। खुश्का लगाएं वापस से, वापस फिर इसी तरीके से बेलें कि हल्के हाथ से रोटी को इस तरह बेलें हल्के हाथ से कि रोटी घूमती रहे और इक्वल बेलती रहे रोटी। अगर ज़रूरत है तो आप दोबारा से खुश्का लगा लें, फिर इसे इसी तरीके से बेलें। ये हमारी रोटी मिल गई, ये हमने वापस इसको हाथ पे बढ़ाया थोड़ा सा, फिर हमने अपने तवे पे डाला
और जैसे ये हल्की हमारी चित्ती नमूदार हुई हमने इसे पलट दिया, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना। ये हल्के हल्के जैसे हम ये देखें हल्का सा आया, फिर हमने इसे आँच के ऊपर रखा। और आँच को देखिए मैंने कहीं पर हल्का नहीं करा, क्योंकि जब हम रोटी बनाने खड़े होते हैं तो रोटी की आँच एक जैसी रख के हमने रोटी जल्दी जल्दी बनानी है। हमने ये नहीं करना कि कहीं आँच हल्की रखनी है, कहीं आँच तेज़ करनी है, ऐसा नहीं करना। ये देखें ये देखें इधर से भी रोटी सिक गई हमारी, इधर से भी सिक गई। ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है और देखें हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट है। ये देखें एक मुट्ठी में हमारी रोटी आ रही है। ये देखें ये 2-3 घंटे के बाद भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये इतनी ही सॉफ्ट होगी। आप एक दफ़ा ज़रूर घर पर ट्राई करके देखें, बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपका डो जितना अच्छा गुंधा हुआ होगा रोटी इतनी अच्छी आएगी। आँच का ध्यान रखें, रोटी बेलने के वक्त ध्यान रखें, पेड़ा बनाते वक्त ध्यान रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।